अस्सलाम वालेकुम सी एस एस पी एम एस एस्पायरेंट्स 2020। तो मुगल रूल इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1526 ड्यू टू टायरसम एफर्ट्स ऑफ बाबर द क्लेमेंट और द बाबर द लाइन। आफ्टर हिज डेथ इन 1530 हिज एल्डेस्ट सन हुमायून, जिसको द अनफॉर्चुनेट भी कहते हैं, अच्छा इसके साथ उसको द फ्यूगेटिव किंग भी कहते हैं ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री, वो तख्त नशीन होता है, ठीक है, 1530 में। तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, कि हुमायून कौन था। ही वॉज द एबलेस्ट एंड एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर। ही वॉज बर्न इन बर्न ऑन मार्च 1508 एट काबल। ही हैज हैड थ्री ब्रदर्स। बाबर हैड फोर सन्स, अस्करी, हिंदल, कामरान एंड हुमायून। हुमायून वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ बाबर, ठीक है। हिस्टोरियन लिखते हैं कि ही वॉज प्रॉबली बिलोंग्स टू शिया सेक्ट, ठीक है, क्योंकि उसकी जो माँ थी महाम बेगम, ठीक है, शी वॉज ऑल्सो बिलोंग टू शिया सेक्ट। वैसे ये बात डिस्कस करने की है नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ हुमायून का, ठीक है। ड्यूरिंग बाबर रूल बाबर ने क्या किया कि बदख्शां का जो एरिया था उसका गवर्नर लगा दिया, किसको, हुमायून को। ही एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ फिलासफी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, फ्रॉम द रीनाउंस स्कॉलर्स ऑफ हिज टाइम। फर्दर मोर एन अटेम्प्ट वॉज मेड टू प्लेस मादी ख्वाजा ऑन द थ्रोन ऑफ आगरा। द रीजन वॉज दैट अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर खलीफा नाजमुद्दीन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट वुड बी बेटर सर्व्ड इफ ए स्ट्रॉन्गर पर्सन वॉज पुट ऑन द थ्रोन। मेदी ख्वाजा वॉज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बाबर, ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मेदी ख्वाजा जो था उसको जो ब्रदर इन लॉ था, ठीक है, उसको डिस्पोज किया हुमायून ने, और क्या किया उसने थ्रोन पे वो तख्त नशीन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो कि स्टैनले लैनपूल कहते हैं, वो कहता है कि हुमायून के हवाले से कहता है, ही टम्बल्ड ऑफ लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट, सॉरी, ही टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट, ठीक है। उसकी पूरी पूरी जो जिंदगी आफ्टर द रूल फ्रॉम 530 टू 1555, वो सारे की सारी उसका जो रूल है वो सारे का सारा क्या है, मुश्किलात में, डिफिकल्टीज और साजिशों और रिबिलियंस में गुजर जाता है। किस तरह, थोड़ा डिस्कस करते हैं। हुमायून के लिए सबसे पहले जो मुश्किल थी, मुश्किलात में से, वो ये थी कि बाबर ने फाउंडेशन लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, बट द एम्पायर वॉज अनकंसोलिडेटेड, जो एम्पायर थी दैट वॉज नॉट कंसोलिडेट, ठीक है। दूसरी बात जो थी वो थी वार ऑफ सक्सेशन, क्योंकि चार भाई थे, चारों भाइयों के दरमियान थ्रोन पर मतलब बादशाह बनने के लिए एक सक्सेशन हुई, वार ऑफ सक्सेशन हुई, जिसमें हुमायून जो था वो क्या होता है, कामयाब होता है, ठीक है। जबकि बीच में से एक और बंदा जो था मेदी ख्वाजा, जो ब्रदर इन लॉ था इसका,
बाबर का वो भी इसका उम्मीदवार होता है थ्रोन का, लेकिन ही वॉज डिस्पोज बाय हुमायून। ठीक है, फर्दर इसको जो तीसरी डिफ़िकल्टी होती है, मसला होता है, वो होता है बहादुर शाह ऑफ गुजरात। गुजरात का जो गवर्नर होता है बहादुर शाह, ही वॉज अ कॉन्स्टेंट थ्रेट टू द वेरी फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, चौथी इसको जो डिफ़िकल्टी थी, इसने क्या किया कि जैसे ये बादशाह बना, एम्परर बना, ही शो एक्स्ट्रा काइंडनेस टुवर्ड्स हिज ब्रदर, जो कि थ्रोन के लिए उसके साथ लड़ रहे थे, उसको इसने क्या किया कि बहुत से जो मतलब जो ख़ास ख़ास प्रोवेंसेस थे, ठीक है, उनकी गवर्नरशिप इनको दे दी, अस्करी को संभल दे दिया, ठीक है, हिंदल को अलवार दे दिया, ठीक है, कामरान को कंदार और काबल दे दिया। ठीक है, तो ये जो पहले से वार ऑफ सक्सेशन में थे, ऑलरेडी ये इस चक्कर में थे कि हुमायून आगे पीछे हो तो हम पीछे से हमला करके क्या कर लें, थ्रोन पे कब्ज़ा कर लें, तो ये भी उसके लिए एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी थी। ठीक है, उसके बाद लैक ऑफ टैक्टिक्स एंड विल पावर। अच्छा, ये क्या करता था, इसमें जो एक एबल स्टेट्समैन या एबल एम्परर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो इसमें नहीं थी, और इसकी अपनी विल पावर नहीं थी। इसका काम था कि ये जो काम स्टार्ट करता आधा छोड़ के भाग जाता, दूसरा शुरू कर देता। ये इसके लिए काफ़ी कुछ मसाइल थे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसने एक और किया कि इसके रूल के दौरान एक और बहुत बड़ी खामी हुई कि इसने अपनी आवाम के लिए कोई भी वेलफेयर का काम नहीं किया। उसके बाद शेरशाह सूरी, जिसकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, उसकी ग्रोइंग पावर को इसने अंडर एस्टिमेट किया। अच्छा, उसके बाद जो बहादुर शाह ऑफ गुजरात था, उसकी तरफ इसने क्या किया, उसको सब्जुगेट करके उसको कहा कि आप क्या करेंगे बंगाल के, उसको बंगाल का गवर्नर लगा दिया। और बाद में क्या हुआ कि उसके लिए वो ही क्या बना, उसकी डिक्लाइन का, उसके रूल के डिक्लाइन का एक वजह बनी। अच्छा, मज़ीद आगे जाएं तो 1539 में उसको बैटल ऑफ चौंसा में जो शिकस्त हुई शेरशाह सूरी के हाथों, ये भी उसका एक ब्लंडर था। अच्छा, बैटल ऑफ कनूज में इसने कितना बड़ा ब्लंडर किया कि जंग लगी हुई थी इन 1530, जंग लगी हुई थी, ये आधी जंग छोड़ के ये किसी और के पीछे चला गया जी, उसको जाके हम क्या करते हैं, सब्जुगेट करते हैं। उसके बाद एक और ब्लंडर इसका ये था कि ही वॉज जेनरस एंड काइंड हार्टेड टूवर्ड्स एवरीबॉडी। ठीक है, हर के लिए वो जेनरस और काइंड हार्टेड था। ही नेवर बिहेव लाइक ए स्टेट्समैन। अच्छा, दूसरी एक और वजह जो थी, या कह सकती है कि और ब्लंडर इसका था, कि उसका अपना करेक्टर ऐसा था कि वो काम आधा करके आधा छोड़ के भाग जाता था। ठीक है, तो ये भी उसके टम्बल थ्रू लाइफ एंड टम्बल आउट ऑफ इट में की वजह बनी। अच्छा, दूसरा इसका क्या काम था कि ब्लाइंड बिलीव ऑन अदर्स, अंधा यकीन था इसको दूसरों पे। ये किसी जिस तरह इसने भाइयों को या बहादुर शाह ऑफ गुजरात को गवर्नर लगा दिया, ये बेगम हो गया कि बस मैंने इन्हें गवर्नर लगा दिया, ये अब कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बाद में इनके डिक्लाइन की वजह, हुमायून के डिक्लाइन की वजह भी यही लोग बने। अच्छा, जो लास्ट बात है इसमें वो ये है कि ही इज़ विक्टिम ऑफ हिज ऑन फैट। ठीक है, कि वो हुमायून वाज आल्सो द विक्टिम ऑफ हिज फैट। अस्करी फेल्ड टू परसुएड तर्दी बेग टू हेल्प हिम। हिज डिसीजन टू कम टू द नॉर्थ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ गुजरात एंड मालवा। इफ महमूद शाह ऑफ बंगाल हैड नॉट सरेंडर्ड अर्लियर, देयर वुड नॉट हैव बीन सो मच ट्रबल्स फॉर ह्यूमन।
ठीक है, हमायून के लिए इतनी ट्रबल्स ना होती, गुजरात और मालवा इसके हाथ से चले गए थे। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इन द बैटल ऑफ क्या नाम था बैटल का, अच्छा इन द बैटल ऑफ कनूज, इसको शेरशाह सूरी जो होता है वो क्या करता है, शिकस्त देता है, और शिकस्त दे के वो हिंदुस्तान में मोर रूल जो है उसका कुछ टाइम के लिए ख़ात्मा कर देता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है कि ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सूरी डायनेसिटी इन इंडो पाक, और हुमायूं साहब वहाँ क्या करते हैं कि उसको एग्जाइल कर दिया जाता है, जिला वतन कर दिया जाता है, और वो पागलों की तरह इसके काबुल, कंधार, समरकंद और इन इलाकों में, इनके पहाड़ों में घूमते हैं। लेकिन फर्दर क्या होता है कि 1550 में जब शेरशाह सूरी जो है वो मर जाता है, ठीक है 45 में शेरशाह सूरी मर जाता है, जबकि उसके जो इनकैपेबल रूलर होते हैं आदिल शाह सूर, ठीक है, और दो तीन और हैं वो इनकैपेबल होते हैं, उनका काम भी बस वो लग्जरीज में ख़ुद को इंडल्ज कर लेते हैं और जो मामलात हैं किंगडम के उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको एक नया मौका मिलता है कि वो क्या करें, हिंदुस्तान को दोबारा हासिल कर ले। ठीक है, तो फर्दर क्या करता है कि ये 1550 में दोबारा सूरजगढ़ के मकाम पे इसकी और शेरशाह सूरी का जो सक्सेसर होता है उनके दरमियान एक बैटल होती है। ठीक है, दैट बैटल वाज नोन एज द बैटल ऑफ सूरजगढ़। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसको शिकस्त होती है और हुमायूं दोबारा क्या हो जाता है, फातेह हो जाता है, और वो फिर हिंदुस्तान का एक मरतबा क्या बन जाता है, बादशाह बन जाता है। ही रूल्ड टिल 1550 एंड देन ही वाज डाइड वाइल ही वाज गोइंग फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर। ठीक है, कि वो अपने माल की पहली जो उसके माल की पहली मंजिल थी उससे दूसरी पर जा रहा था सीढ़ियों से, तो वो स्लिप हुआ और उसके गिरने की वजह से वो क्या हो गया, वहीं पे मर गया। ठीक है, अच्छा ऐसे हुआ कि जो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि स्टैनली लैनपूल की वो बात कि ही टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, ये हाउ ही टम्बल्ड आउट ऑफ लाइफ एंड हाउ ही टम्बल्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, तो जितनी भी मैंने बातें आपके साथ शेयर की हैं, पहली मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि डिवीजन ऑफ एम्पायर मांगे इस ब्रदर्स, पहली वजह, दूसरी हॉस्टिलिटी ऑफ इस ब्रदर, तीसरी नो वेलफेयर वर्क, चौथी शेरशाह खान सूरी ग्रोइंग पावर, जेंटल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स बहादुर शाह, डिफीट एट चौंसा, मिस्टेक इन द बैटल ऑफ कनूज, जेनरस एंड काइंड हार्टेड, ऑन करेक्टर, ब्लाइंड फेथ आर बिलीव ऑन अदर्स, विक्टिम ऑफ हिज ऑन फेथ। विक्टिम ऑफ हिज ऑन फेथ वो किस तरह हुआ कि वो बेचारा एक घर में या माल के अंदर वो एक मंजिल से ऊपर वाली मंजिल पे जा रहा था तो सीढ़ियों से स्लिप हुआ, गिरा और वो नीचे आके क्या हुआ, मर गया। तो दस द स्टेटमेंट जस्टिफाइड कि ही टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। ठीक है, थैंक यू, मैं जस्ट 5 or 10 मिनट में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। ठीक है, और वो टॉपिक होगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेरशाह सूरी। ठीक है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ अकबर और अकबर द ग्रेट और शेरशाह सूरी का कंपैरिजन भी करेंगे थोड़ा सा। अच्छा, वाई अकबर इज़ नोन एज द फॉरनर ऑफ शेरशाह सूरी, उसको भी डिस्कस करेंगे। तीन सवाल अगले लेक्चर में मैं एक साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून 5 से 10 मिनट के लिए। अल्लाह हाफिज़।